अब उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर। खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने यहां पर लगभग 60 लाख रुपए की शराब पकड़ी है। हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब, पुलिस के हत्थे एक आरोपी चढ़ा, साथ ही एक आरोपी यहां से फरार भी हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उसी के तहत 60 लाख रुपए की शराब पकड़ी है, जो एक बड़ा अमाउंट है। हरियाणा से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी और इस दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, एक हालांकि यहां से फरार भी हो गया। उदयपुर के खेरवाड़ा से आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, बड़ी खबर उदयपुर के खेरवाड़ा से। खेरवाड़ा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगभग 60 लाख रुपए, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, 60 लाख रुपए की शराब यहां से पकड़ी गई है और हरियाणा से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। इसी दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, साथ ही एक आरोपी यहां से फरार भी हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उदयपुर के खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जसवंत पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवंत, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, क्या प्लानिंग रही, क्या प्लॉटिंग रही और उसके तहत पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, ये उदयपुर से गुजरात के लिए दारू ले जा रही थी उदयपुर नेशनल हाईवे नंबर 8 से, और ये हरियाणा से शराब लाई जा रही है और हरियाणा से सीधे गुजरात जहाँ पे दारू की पाबंदी, वहाँ पे पूरी शराब बिकने के लिए जाती है और वहाँ पे भारी मात्रा में ये इसके अधिक मूल्य में, राजस्थान से अधिक मूल्य में वहाँ पे शराब बिकती है। और इस नेशनल हाईवे नंबर 8 से जी दो चार पांच थानों को क्रॉस करते हुए ये पूरी शराब गुजरात को ले जाते हैं। यशवंत, ये बताएं कि इस पूरी कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं जो एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है उसने भी कुछ कबूल किया होगा, तार कहां कहां इस पूरे कहीं ना कहीं शराब माफिया गिरोह के जुड़े हुए हैं? मैडम, ये पुलिस उसकी पूरी पुख्ता जानकारी ले रही है, आरोपी से पूछताछ जारी है। जी यशवंत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो खेरवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए की शराब यहां से पकड़ी है और हरियाणा से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी, उसके दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, एक हालांकि वहां से फरार है।